पार्टी में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण दिखाया। वहीं औपचारिक रूप से हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए फिर से शुरू हुई संबल योजना। पार्टी मध्य प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का मंगलवार को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। संबल योजना 2018 में प्रारंभ की थी, जिसे बाद में तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों संबल योजना पुनः शुरू करने की घोषणा की, जो कि अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के 1,285 हितग्राहियों के खातों में 2,24,008 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से स्थानांतरित कर दी है। इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण जनपद पंचायत परिसर पार्टी में देखा गया। लाइव प्रसारण कार्यक्रम के बाद अतिथियों द्वारा कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान औपचारिक रूप से अतिथि द्वारा संबल योजना के 8 हितग्राही को 2-2 लाख और 4 हितग्राही को 4-4 लाख के चेक भी वितरित किए। पार्टी जनपद के 12 हितग्राहियों के खातों में 32 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक से सीधे हितग्राहियों के खातों में स्थानांतरित की गई। इस दौरान जनपद अध्यक्ष शैनाबाई सोलंकी, सरपंच बजारेबाई सोलंकी, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष बर्मा सोलंकी, पांड्या सोलंकी सहित जनपद पंचायत के अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।